व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एंड्रॉइड बार। सो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आप यूजर के साथ शेयर करने वाला हूँ किस तरह हम अपने ओप्पो का जो है थीम उसको डेवलप करते हैं। तो आज जो है मैं वो डेवलपर के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, और जो यूजर खुद अपना थीम डेवलप करना चाहते हैं, अपने नाम का थीम या फिर किसी तरह का भी थीम वो डेवलप करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो बिना कोई टाइम गए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड, थीम बनाने में जो जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आई मूड प्रो, जो कि ओप्पो का थीम एडिटर है या फिर रियलमी का थीम एडिटर है। तो दोनों के थीम आप जो है इसी आई मूड प्रो के साथ जो है आसानी के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको उसका कंप्लीट प्रोसीजर बताऊँगा, जिसमें यहाँ पर एक आई मूड प्रो एप्लीकेशन इस्तेमाल होगी। उसके बाद जो बैकग्राउंड वॉलपेपर आपने इस्तेमाल करना है, जो इसके बैकग्राउंड पर लगेगा, वो आपने जो है डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप जो है अगर किसी जो है थीम के आइकन अपने साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो आपने डाउनलोड कर लेने हैं। उसके बाद आपने जो है अपने थीम को किस तरह डेवलप करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने आई मूड प्रो उसको अपने जो है इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको टैप करके ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अपने प्लस वाले ऑप्शन पे आपने टाइप कर लेना है। इस तरह आपने जो है न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे टाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है कुछ टाइटल देना पड़ेगा। उसके बाद उसका आर्थर नेम देना पड़ेगा, यानी आप ही होंगे उसके आर्थर। उसके बाद जो है थीम का कुछ डिस्क्रिप्शन आपने देना है, अगर अपना नाम वगैरह लिखना है तो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है उसका थीम का जो है वो सेट कर लेना है, यानी उसका जो है मॉडल उसको सेट कर लेना है। सो ये तमाम मॉडल ओप्पो के जो अभी न्यूली आए हुए हैं, जिसमें यहाँ पर आपको ओप्पो के तमाम मॉडल देखने को मिलेंगे, जैसे कि F7 F11 प्रो आ गया। सो ये तमाम फ़ोन के जो है आप आसानी के साथ जो है थीम बना सकते हैं, ये अवेलेबल हैं। और इनका कोड जो होता है वो मैनुअली यहाँ पर सेट हो जाता है, जिसकी मदद से ये आसानी के साथ उस फोन में चल जाते हैं। सो फ्रेंड, आपने करना क्या है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर तमाम डिटेल को फिल कर दिया है। तो आपने इस तमाम डिटेल को आसानी के साथ फिल कर लेना है। उसके बाद अपने फ़ोन का मॉडल जो है वो सेट कर लेना है। सो यहाँ पर मेरा ओप्पो E57 है, जो टील मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपने क्रिएट थीम वाले ऑप्शन पे आपने टाइप कर लेना है। जिसके बाद यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन ऊपर आएगा कि आपके थीम का जो है वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आपने करना क्या है, जस्ट यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आपने टाइप कर लेना इस तरह। इसके बाद आपको ये थीम वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप आसानी के साथ टाइप करेंगे तो ये थीम जो है आपका कंप्रेस हो चुका है। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर लेना है। सो ये थीम आपको अपने आई मूड जो फाइल है वो वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर में ले चलता हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपको आई मूड वाला एक फोल्डर मिल जाएगा आपके फाइल मैनेजर के अंदर। तो यहाँ पर आपने इसको टाइप करके ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको अपने माई थीम में चले जाना है। तो इस पर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे लास्ट पर यहाँ पर जो iOS थीम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट वगैरह पड़े थे जो नई थीम मैं आपको देने वाला हूँ आने वाली वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। सो ये रहा iOS थीम। तो इसके साथ आपने करना क्या है कि इसको आपने जिप कर लेना है। सो जल्दी से यहाँ पर आपने ऊपर एडिट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आपने टाइप कर लेना है। तो टाइप करने के बाद आपने इसको ऊपर जो है क्लिक करके इसको यहाँ पर आपने जो है जिप कर लेना है। तो जिप कैसे करना है, आपने इसको रीनेम कर देना है या फिर आपने इसको कंप्रेस कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर आपने टाइप करेंगे तो ये स्टार्ट जिप वाले ऑप्शन पर आपने टाइप करना है। तो ये iOS जो है वो जिप हो चुका है। सो ये देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आपको जिप फाइल इसकी देखने को मिल रही है, इस पर आपने टाइप कर लेना है। सो इसको आप यहाँ पर जो है टाइप करेंगे कुछ इस तरह। तो यहाँ पर आपने इसको स्टार्ट कर दें तो ये थीम का यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोसीजर देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो आपने करना क्या है, इसको जो एडिट वाले ऑप्शन पे टाइप कर लेना है, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर एडवांस वाले ऑप्शन पे टाइप करके आपने इसको रीनेम कर देना है। तो रीनेम कुछ ऐसे करना है कि आपने जो है थीम की जगह आपने जिप लिख देना है। तो डॉट आपने डॉट दूर से डालना है, तो आपने जो है जिप लिख देना है, जिसकी मदद से ये फाइल जो है वो जिप हो जाएगी। तो इसको अपने ओके करके दोबारा आपने स्टार्ट जो है कर देना है तो ये जिप हो जाएगा। उसके बाद उन्हें टाइप करना है और दोबारा इसको जो है एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं दोबारा कर लेता हूँ, जिसके बाद मुझे इसका फाइल जो है वो XML फाइल देखने को मिल जाएगी, यानी जो जो इस चीज़ में जो जो इस थीम में आने वाला है तो वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो इस थीम में जस्ट यहाँ पर ये कुछ पड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई आइकन वगैरह इसके साथ रिप्लेस नहीं किया या फिर कोई थीम वगैरह इसके साथ रिप्लेस नहीं किया, तो ये मुझे यहाँ पर इसकी डिटेल देखने को मिल रही है। तो आपने करना क्या है कि किसी दूसरे थीम का यहाँ पर अपने डाटा जो है उसको उठा लेना है। उठाना कैसे है कि यहाँ पर आप जो कोई भी थीम, जैसे कि यहाँ पर 22 MB का, 7 MB जो MB का पड़ा हुआ है, तो इसको आपने करना क्या है कुछ इस तरह कि आपने यहाँ पर जो है ये एंड्रॉयड बार वाला थीम है, इसको यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ, इसको क्लिक कर लेना है और इसको आपने जो है यहाँ से कंप्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको कंप्रेस कर लेता हूँ, तो
तो इसकी कंप्रेसिंग जो स्टार्ट हो चुकी है। तो जिस जिस थीम का यहाँ पर आपने कंप्रेस करना है, यानी अगर आप मिक्सअप करना चाहते हैं तो आप जो मिक्सअप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोबारा इसको ओपन करें तो ये थीम आपको देखने को मिलेगा। इसको आपने एडिट करना है, इस वाले ऑप्शन पर टाइप कर लेना है और यहाँ पर आपने जो है रीनेम करके इसको जिप कर देना है। तो जिस थीम को आपने जो है एडिट करना है उसको भी आप आसानी के साथ ही कुछ इस तरह एडिट कर सकते हैं, उसको जिप कर लेना है। तमाम की तमाम उसकी फाइल जो है वो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगी। तो इसको आपने दोबारा जो है एक्सट्रैक्टिंग कर देना है। इसके बाद की तमाम फाइल जो है वो एक फोल्डर में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं इसको टाइप कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको तमाम फाइल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसका असल प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होता है। तो करना क्या है, जहाँ पर आप जो है लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर कुछ किस तरह का हो तो आपने करना क्या है, यहाँ पर ये लॉक स्क्रीन वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपने चल जाना है। इस वाले ऑप्शन पर आपने एडिट वाले ऑप्शन पर दोबारा आपने टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एडिट वाले ऑप्शन पर टाइप कर लेता हूँ, ओके करना है और इसको आपने दोबारा कंप्रेस कर देना है कुछ इस तरह। तो ये दोबारा कंप्रेस हो चुका है, इसको अपने दोबारा एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो जिसके अंदर जो जो इसके जो है लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर पड़े होंगे उसको अपने उठा के रीनेम कर देना है। तो ये जो है इसका फाइल देखने को मिला है, तो इसको दोबारा हमने जो है जिप कर लेना है। इसको हम जिप करते हैं, कई दफ़ा जो है कंप्रेस करने के साथ जो है वो ओपन नहीं होते तो आपने इसको जिप कर लेना है। तो जिप कुछ ऐसे करना है कि आपने जो है डॉट लगाना है, उसके बाद आपने जिप लिख देना है। किसी भी चीज़ के साथ करेंगे तो उसकी तमाम फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, उसके अंदर जो जो पड़ा हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसको मैं दोबारा टैप करके इसको दोबारा एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो अभी इसके अंदर जो जो वॉलपेपर पड़े होंगे वो मुझे देखने को मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं, तो ये इसके वॉलपेपर पड़े थे जो इसके जो है प्रीव्यू पे लगे हुए थे, यानी उसके जो है वॉलपेपर। अगर आप जो लॉक स्क्रीन वाला ऑप्शन जो है वो ओपन करते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको ऑफ करके दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरह के आपको आइकन देखने को मिलेंगे और साथ में यहाँ पर ये वॉलपेपर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें इसके अंदर पड़ी होती हैं। तो ये देख सकते हैं इसमें बटन भी पड़े होंगे और साथ में कुछ म्यूज़िक वगैरह, जैसे कि अगर आप लॉक स्क्रीन को ओपन करते हैं तो वो भी आप इसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं इसके अंदर। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने अगर इसका लॉक स्क्रीन जो है उसको रिप्लेस करना है उस फोल्डर के साथ, तो आपने जो है इस चीज़ को उठा लेना है कुछ इस तरह, आपने जो एडिट कर लेना है। अगर आप कंप्लीट थीम को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने कॉपी कर लेना है, या फिर जिस जिस थीम की जो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। तो आपने यहाँ पर इसको कॉपी करना है, तो ये फाइल आपने कॉपी नहीं करनी अपनी XML फाइल, क्योंकि आपने वो अपने थीम के हिसाब से क्रिएट की हुई है, उसका कोड भी बिल्कुल सेम होगा जो आपके फ़ोन का होगा। तो आपने जो इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो है आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने उस फोल्डर में चले जाना है। तो फोल्डर में चले जाते हैं अपने iMood फोल्डर में। तो ये रहा iMood फोल्डर, इसमें आपने चले जाना है। तो नीचे आपको पेस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हमारी थीम में जाना है। इसके बाद जो जिस थीम में आप जो है एडिटिंग कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं iOS थीम में कर रहा हूँ, इस पर आपने जाना है, दोबारा इसको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ये सब कुछ पेस्ट कर देना है। तो ये थीम अलहदा आ गया, इसकी XML फाइल ये देखें नीचे पड़ी हुई है, इसके XML जो मैंने कॉपी नहीं करी थी। इसमें आपके थीम का जो है वो डाटा होता है, जैसा कि आपके थीम को जो जो भी आप थीम जो है लेते हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करता, तो आप अलहदा से उसकी XML फाइल जो है बना सकते हैं अपने iMood में जाकर। और ये फाइल जो है बिल्कुल जो है आपके फ़ोन में कोई भी थीम अगर आपके फ़ोन में वर्क नहीं कर रहा तो आप जो है एक XML फाइल बना सकते हैं अपने थीम के मुताबिक, यानी अपने फ़ोन के मुताबिक बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसको जो है अलहदा से उस थीम का जो है डाटा लेकर उसको अलहदा से पेस्ट करके, उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपने एडिट वाले ऑप्शन पर टाइप कर लेना है, वो तमाम जो है डाटा को अपने कलेक्ट कर लेना है। तो एडिट वाले ऑप्शन पर आपने टाइप कर लेना है इस वाले ऑप्शन पर। तो अगर आपने जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने जो इसका कुछ भी चेंज करना, जैसे कि इसकी पिक्चर वगैरह जो इसके अंदर पड़ी हुई हैं वो आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हो, तो ये देख सकते हैं पिक्चर इसके अंदर जो पड़ी हुई हैं उसको आप जो है अगर आप कोई भी थीम वगैरह इसके अंदर पेस्ट करते हैं, सॉरी वॉलपेपर इसके अंदर पेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये जो भी आप पिक्चर यहाँ पर ला कर रखेंगे तो ये जो फाइल वाला नेम आपने लिख लेना है। कैसे लिखना है, आपने एडिट वाले ऑप्शन पर टाइप कर लेना है और इसको दोबारा इस पिक्चर को क्लिक कर लेना है और दोबारा इस पर टाइप करना है और इसको रीनेम कर लेना है, यानी इसको कॉपी कर लेना है आपने कुछ इस तरह। कॉपी करने के बाद आपने इसको सेव करके इसको डिलीट कर देना है। सो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसके हिसाब से कोई भी अगर मैं इसके पिक्चर इसमें एंटर करना चाहता हूँ तो वो मैं कोई भी पिक्चर यहाँ पर ला कर रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई भी पिक्चर लेकर आ जाता हूँ। सो फ्रेंड, जिस भी पिक्चर को आपने लेकर जाना है तो उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक्चर पड़ी हुई हैं, तो इसमें आपने एडिट वाले ऑप्शन में दोबारा टाइप कर लेना है और जिस पिक्चर को आपने लेके जाना, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको लेके जाना, इसको ओके कर लेना है
और इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा आई मोड वाले जो फोल्डर है जहाँ पर आपने जो है ये फाइल वगैरह रखी हैं उसमें जाना है। उसके बाद उसके जो है पिक्चर वाले फोल्डर उसमें जाकर इसको पेस्ट करना है। सो यहाँ पर मैं आई मोड वाले फोल्डर में चला जाता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा फोल्डर पड़े हैं जिसकी वजह से यहाँ पर। सो ये रहा आई मोड फोल्डर, इसमें आपने जाना है और माई थीम वाले में दोबारा जाना है। iOS थीम हम बना रहे हैं इसमें आपने चले जाना है। इसको ओके करता हूँ तो ये पिक्चर वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आपने जाना है। रिजर्व वाले ऑप्शन पे आपने जाना है, इसको ओके करना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये दो पिक्चर होगी, इसको अपने एडिट कर लेना है और जो नेम आपने कॉपी किया था तो मैं इसको दोबारा रीनेम कर देता हूँ। अगर आप रीनेम नहीं करेंगे तो ये पिक्चर जो है वो आपको शो नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो जितनी पिक्चर आपने ज़्यादा करनी है तो यहाँ पर उसका प्रीव्यू का नेम ज़्यादा करते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक है, दो, तीन, चार, आप यहाँ पर कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ तो ये भी मेरे थीम में शो होगी। तो बैक आ जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको एडिट वाले ऑप्शन पर टाइप कर लेता हूँ। तो इसमें अगर आप कोई भी एडिटिंग करना चाहते हो, जैसा कि यहाँ पर मैंने चेंज किया, कोई भी चीज़ को आप कॉपी करके उसको जिप करके तो आप आसानी के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर मुझे कंप्रेस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपने टाइप कर लेना है, स्टार्ट कर लेना है। इसकी कंप्रेसिंग स्टार्ट हो जाएगी जिसके बाद ये थीम जो फुल एक बन जाएगा। इसके बाद आपने इसको दोबारा थीम कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको एडिट करके इसको थीम कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम इसको थीम कर लेते हैं। तो आपने जिस भी फाइल को बनाएंगे उसको आपने दोबारा थीम में कन्वर्ट करना है, उसको डॉट थीम लिख के। और यहाँ पर आपको एक दफ़ा वार्निंग भी देगा, तो आपने इसको नहीं देखना, आपने सेव कर लेना है। और यहाँ पर आप इसको ओके करेंगे तो ये थीम आपके बना बनाए आपके सामने आ जाएगा। सो इसको टैप करके हम जल्दी से इसको अपने फ़ोन में अप्लाई भी करना था, वो मैं भूल गया हूँ। तो जल्दी से हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं और देखते हैं हमें किस तरह का इसका लुक देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं हमारे फ़ोन में थीम अप्लाई भी हो चुका है। और जिस फ़ोन में जो जो एरर आता है वो इसी जो है स्टेप को फॉलो करें, जिसकी मदद से आपका थीम आसानी से जो बन जाएगा और जो भी थीम अपने फ़ोन में अप्लाई करना चाहते हैं आपके फ़ोन में आसानी से अप्लाई हो जाएगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपके साथ इंटरेस्टिंग वाले वीडियो में अगली दफ़ा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।